वालेकुम, हम तमाम स्पीड न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद हैं। ये अपने बिल्डर्स के बारे में बताएंगे। जी सलाम अलैकुम जी। अच्छा एक्सपीरियंस है जी। ऑफ कोर्स इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, जिनको है वो एक उसमें अंदर क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है, मिसट्रस्ट होता है। तो इस तरह की एक्टिविटी से ये है कि कम अज़ कम लोगों की जो ग्रीवेंसेज हैं वो एड्रेस हो जाती हैं, फिर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। जी सर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा एक्सपो में आके। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, एक्सपो में बेसिक मकसद होता है हमारा आने का, हम तमाम बिल्डर्स भाइयों का, रियल्टर भाइयों का, उसके अलावा जितने भी डीलर्स आज साथ काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों को जितना एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा हमें ये फुटफॉल मिल रहा है। बिल्डर्स मौजूद हैं और एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं नाज़रीन को दिखाता चलूँ कि हर तरफ स्टॉल लगे हुए हैं, डेस्क मिले हुए हैं और यहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको बेहतरीन रिवार्ड कहाँ से मिल सकता है, रिटर्न कहाँ से अच्छा आ सकता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसके लिए अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करता है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आवाम का रुझान है, माशाल्लाह रश देख रहे हैं और नई नई चीज़ें हैं, नई नई कंपनीज़ आई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये टोयोटा मोटर्स का यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर? ये तो प्रॉपर्टी एक्सपो है जी। टोयोटा खैबर मोटर्स का हाई राइज मॉल है, एक्सिस मॉल एंड अपार्टमेंट। एंटर हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, देखें अगर जनाब जी कुछ चीज़ समझ में आती है तो इंशाल्लाह जो है ना हम लेंगे भी। वालेकुम सर, आपका गुड नेम? तारिक मसूद शेख जी। सर कैसा लगा आपको यहाँ? बड़ा अच्छा लगा जी, ये नुमाइश देख के। कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम पाक चाइना सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ प्रॉपर्टी एक्सपो लगा हुआ है, इंतज़ामिया ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे आप इस्लामाबाद के रिहायशी, रावलपिंडी के रिहायशी और दीगर इलाकों से लोग आए हुए हैं और वहाँ पर रहनुमाई दी जा रही है। तो हम चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो विज़िटर्स हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी नवादरात यहाँ लगाई गई हैं। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? जमाल शाह। जमाल शाह साहब, आपको देखा बहुत खुशी हुई, पेशावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे स्टॉल आपने अरेंज करवाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये दोस्तों की मेहरबानी है। लिकाई का ये जो काम है, निज़ाम आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दिखाएं ज़रा करीब कैमरे की तरफ करते, ये आयत लिखी हुई, ये हदीस पाक की मफहूम है, अना मदीनतुल इल्म इल्मी व अलीन बाबुहा। अच्छा माशाल्लाह, ये हदीस शरीफ है। मैं मदीना शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है माशाल्लाह। और अगर थोड़ा सा हुकूमत सपोर्ट कर दे इस तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम है। मिनरल में आप आगे स्टॉल वगैरह देखेंगे यहाँ पे, आप यकीन करें कि लोग स्विस से, हमारे सामने एक स्टॉल है स्विस से बुक हो चुकी है, एक अमेरिकन आया हुआ है उसने स्टॉल लिए हैं और अफ़गानिस्तान से बहुत से लोग तो आए हैं, उन्होंने अपने साथ कीमती पत्थर, जो ये लोग बेसिकल आए हैं अफ़गानिस्तान से सिर्फ इस इवेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप मिनरल देख रहे हैं लपिस लजूली। अच्छा ये रंग जो हैं ये इसके नेचुरल हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कुदरती निज़ाम है, आप देखें ना खूबसूरती के एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहकार बनाया है। इसके लपिस लजूली अंग्रेज़ी नाम है और उर्दू में इसको लाजवार कहते हैं, पीछे पड़े हैं अब तुम्हारे सामने हैं। इसके अलावा जो इसके पास सबसे कीमती जवाहरात हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन्होंने ये हमारे खुशकिस्मती हैं कि इसी हालात में ये लोग आए हैं और यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लिए हैं और हमारे साथ। इसके अलावा ख्वातीन के भी स्टॉल हैं, आप इधर आ जाएं। सेल हैं चूँकि आपको पता है जवाहरात है, जवाहरात का पेशा ऐसी हैं कि सारे कीमती पत्थर होते हैं और जो हैं शौक़ के हैं, शौक़ की कोई कीमत नहीं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे दोस्तों का, ख़वातीन मर्दों दोस्तों को जहाँ से भी आए हैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हम एक ऐसे हम पहले साथ तो अकेले थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ने साथ दिया और ये मार्केट आगे जा रहा है तो ख़वातीन अभी भी इसमें शामिल हो गई। तो ये भाई जो है अफ़गानिस्तान से बेसिकल इसका ताल्लुक है, पेशावर में इसके अपने शॉप है और ये इंग्रेविंग का काम भी करते हैं और बहुत सी चीज़ें इन्होंने जो बनाए अपने हाथों से आप देख रहे हैं। इसका क्या नाम है भाई? जावेद हमदर्द। जावेद, कौन से इलाके से हैं आप? पेशावर से। पेशावर से अफ़गानिस्तान में कौन से इलाके से ये लेके आए? ये बदख्शान से। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों से भेजे। काबुल? काबुल भी है, इसमें तगाव भी आता है। अच्छा। और इसमें पंशीर भी आता है। अच्छा।
مختلف قسم کے کوالٹیز ہسٹون، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاک چائنا سینٹر میں اب پاکستان اور افغانستان کی دوستی بھی ہے. ہاں یہ بالکل ہے، ہاں یہ بات ہوتا ہے. آل دی بیسٹ ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ ایک اسٹال ہے جو ہمارے دوست تھے، صرف یہ ہمارے پی کے کی سواد کی زمرد انہوں نے رکھی ہیں، یہ کابل کی یقوت ساتھ ہیں اور کیٹیگری آپ دیکھیے ایک سے ایک اعلیٰ، بہت ہی زبردست یہاں پہ اسٹونس ہیں اور یہاں جیولری ہے. اور ہم چلتے ہیں، ہمارے ابراڈ سے آئے ہوئے فارنرز ڈیلیگیشن ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں. ہائی سر. یس، ہاؤ آر یو سر؟ ہائی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، آئی ایم فائن، تھینک یو. ویئر فرام یو آر؟ چائنا. واٹس یور نیم؟ یہ چائنا چنگو نیس چھن چھن چھن. اوکے، ہاؤ یو آر فیلنگ ہیئر؟ 他说什么？还有你感觉这个地方怎么样？我感觉很好，你跟他讲，这是巴基斯坦和中国的友谊中心，在这里举办这个珠宝展，就非常感谢你来看一下。在那巴基斯坦friendship center，就是我们这来，感谢巴基斯坦friendship center，对，非常很高兴认识了很多巴基斯坦的朋友。 اس وقت ہم ایک اسٹال میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ طرح طرح کی جیولری موجود ہیں اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں نیچرل قسم کے اسٹون موجود ہیں جو کہ مارکیٹ میں عام طور پر میسر نہیں ہوتے. مختلف قسم کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. پنڈی سے ہی میرا تعلق ہے. پنڈی سے کیسا فیل کر رہی ہیں یہاں پہ یہ جو ایگزیبیشن لگی ہے پراپرٹی کے ساتھ میں یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں وزٹرس کے لیے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اس طرح کا ایگزیبیشنز ویسے ہونے چاہیے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہونے چاہیے اور جس طرح کی چیزیں ہمارا کلچر جو ہے وہ بیان کرتی ہیں یہ چیزیں، اور لوگ جو آؤٹ آف کنٹری کے بھی ہوتے ہیں جب سم ٹائم وزٹ کرنے آتے ہیں تو انہیں ہمارے کلچر کے بارے میں اویئرنیس ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھا اسٹال لگایا ہے، تو ہمیں کس طرح آپ تعارف کرائیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں؟ سر اس میں مختلف ملک کی اسٹون ورائٹی ہے، اس میں کوارٹز ہے، سیمپل ہے، اسٹون وغیرہ کٹنگ میں، اس میں روبی، سفائر، ایمرلڈ، اور اس میں اکوامرین گلگت سے یہ جیولری بھی لگائی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اور بھی ڈسپلے اچھی کریں گے کیونکہ یہاں لوگ بہت اچھی طریقے سے آتے ہیں. اچھا اس میں آپ اسٹون میں بتائیں کہ لوگ زیادہ کس اسٹون کو پسند کرتے؟ زیادہ تر یہاں لوگ بلڈ اسٹون پسند کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس میں روبی زیادہ تر پسند آتی ہے، سفائر، ایمرلڈ، اور بھی اسی طرح مختلف چوائس ہوتی ہے لوگوں کی. تو اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیا آپ اویلیبل ہیں اسلام آباد میں اس کے بعد بھی ایکسپو کے بعد؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور سر. ہمارا اپنا واٹس ایپ بول دیجیے، ہمارا اپنا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے 03129115037. تو ہمارے انجینئر صاحب دوست ہیں ان کے ساتھ، ماشاءاللہ نشاپور کے اوریجنل ایران کے حقیق ہیں، اور ڈفرینٹ اسٹونس ہیں ہمارے پاس سر. گھڑیوں میں تو ایسی ایسی گھڑی ہے کہ 70-70 لاکھ روپے کی گھڑی یہاں پڑی. نہ کریں جی، الحمدللہ. یہ سال کے طور پہ کون سی اس میں بہت زیادہ انٹی؟ میرے دوست کے ہاتھ میں تھا، نکل گئے مسجد نماز کے، میں اس کے پیچھے گیا، میں نے اسے کہا کہ آپ آئیں ذرا بات کریں، تو انہوں کا بھی شوق ہے اچھی یونیک گھڑی رکھنا، اچھے ڈائمنڈ، اچھے سونے میں انگوٹیاں، بڑی اچھی کولیکشن اس کے پاس موجود ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمرلڈ ہو، روبی ہو، اور کوئی اسٹون ہو، ہمارے اپنے ہنر مندی کا اسٹون میں کاروینگ ہو، تو ہمارے آفس کا یہ ایڈریس ہے، اگر آپ کیمرامین ساتھ یہ خود شیئر کریں تو بہتر ہوگا. آپ دیکھ لیں ہمارے مائک کے ساتھ ان کا یہ ایڈریس، اور اسپیڈ نیوز اس کو کے پی کے جیم زمینرل مینوفیکچر ایکسپورٹر ایسوسیشن پاکستان. ہاں ہاں، یہ بتائیں گے کہ آپ کی گھڑی جو پہنی ہوئی ہے یہ کون سی کمپنی کی ہے؟ اومیگا کی ہے سر. جی جی ہاں، یہ 750 وائٹ گولڈ میں ہے، ڈائمنڈ ہے. جی جی، یہ 25,000 ڈالر کی ہے سر. 25,000 ڈالر، ماشاء اللہ. یہ کہاں سے آپ نے لی تھی، یہاں سے یا باہر سے؟ نہیں نہیں، یہاں سے، پاکستان سے لی تھی سر. اچھا، اینٹیک کے طور پہ لی تھی. بہت یہ سب ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، 120 ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں اس میں. یہ 5,000 ڈالر کی ہے سر. تو اس کے مقامی لوگ زیادہ کسٹمر ہیں یہاں پہ، فارنرز آتے ہیں سر؟ فارنر جو ہیں ونٹیج میں زیادہ پسند کرتے ہیں، جو پرانی وہ ہیں، لیکن کنڈیشن اب اس میں یہ دیکھیں سر، یہ اب 70-75 سال پرانی واچ ہے. یہ کتنے
हमने तो 15,000 लेकिन 12,000 10,000 तक जो पसंद करता है तो उसको दे देते हैं, लेकिन कंडीशन देके 70-75,000। कंपनी कौन सी है? ये वेस्टर्न वॉच है सर। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। ये हमारे दोस्त से आए हैं क्वेट से। अस्सलामुअलैकुम। तो अपने स्टॉल को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आप, क्या क्या लाए हैं और क्या सामने है? देखिए कोई ये मुझे बताएं, एंटीक्स हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास रा में है कोई बलूचिस्तान से जो स्पेशली जो है। अच्छा, और ये इनकी नवादरात हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्थर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब्दुल कवी। अब्दुल कवी साहब, आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा साहब, क्या बताएंगे इन पत्थरों के बारे में? बस यही कि ये नेचुरल है और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं और खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? कामरान भट्ट। कामरान भट्ट साहब, ये कहाँ का है ये नवादरात? ये बेसिकली नवादरात जो से कश्मीर के हैं। कश्मीर के, आप कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया नवाब है, मेरा ताल्लुक चित्राल केपी के से है और मेरा जो काम है वो मोज़ेक आर्ट का है। पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर और मार्बल हैं उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कैलीग्राफी हो गए, उधर भी लगे हुए हैं हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं डिस्प्ले पे, टेबल टॉप हो गए या कोई नए घर बनाओ उसके फ्लोर में हम काम कर सकते हैं, नीशेस के अंदर हम काम कर सकते हैं, फीचर वॉल बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिस्टिक आइडिया अगर आपके माइंड में हो तो वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम उसके लिए कस्टमाइज्ड मोज़ेक में बना के दे देते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि हम अभी मौजूद हैं पाक चाइना सेंटर में और यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है, उसके साथ बहुत सारी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं मीडिया से रिलेटेड और वीलॉगर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आई हैं। हमारे साथ शगुफ्ता यासीन मौजूद हैं, हम इनसे आपका तारुफ कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगी आज की? जी सबसे पहले तो मेरा नाम शगुफ्ता यासीन है, मैं मकान शॉप की डायरेक्टर हूँ। मकान शॉप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है रिलेटर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, एंड यूज़र के लिए। ऑन द सेम टाइम हम जो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म फ्रीलांसर्स के लिए भी है। अगर आप मकान शॉप के साथ एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं, जहाँ से आप अपने चैनल को या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं और ऑन द सेम टाइम आप जिसे कहते हैं ना कि वीडियो रॉ फुटेजेस का आप हमें वीडियो का कंटेंट देते हैं और हम आपके उस कंटेंट के अगेंस्ट या इसी तरह के अगर आप इवेंट्स को कवर करते हैं और हमें उसका फुटेजेस प्रोवाइड करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट हम आपको पे करेंगे। तो आप इस तरह का प्लेटफॉर्म जो मकान शॉप के नाम से है, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं था, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारे से आप कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू सो मच जी। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बता देना। मकान शॉप की टीम से रابطہ करने के लिए आप इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं 03181981039। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पाक चाइना इस्लामाबाद सेंटर में यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा था। अल्लाह हाफिज़, आइंदा इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।